हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। पार्ट वन में कैलेंडर के पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 23 जुलाई 2019 को ये वार है, सोमवार है, तो 25 नवंबर 2019 को क्या वार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पार्ट वन में किए थे। अब इस पार्ट टू में हम करेंगे कि जैसे 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी उस दिन क्या वार था, और जैसे 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन जन्म हुआ था उस दिन क्या वार था। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैलेंडर से रिलेटेड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को कुछ कोड याद करने पड़ेंगे, जैसे डेज कोड, दिनों के लिए कोड। क्या अगर 0 कोड है तो संडे सैटरडे, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4 और थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6। और सेंचुरी कोड आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसमें 1200 से स्टार्ट किया हमने, 1200 से स्टार्ट किया था, 1200, 1300, 1400, 1500, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इस टाइप के 4 नंबर 1200 से याद रखना, नीचे से स्टार्ट कर देना, 0, 2, 4, 6, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, 1600, 1700, 1800, 1900, 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 0, 2, 4, 6। सेम ऐसे ही 2000, 2100, 2200, 2300, ठीक है, इसके लिए भी 0, 2, 4, 6। ये हो गए आपके सेंचुरी कोड की सन 1947 में जब 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था उस दिन क्या हुआ था, ठीक है। तो सेंचुरी कोड को क्या आ गया 1900। मंथ कोड, ये आपके मंथ कोड है कि 15 अगस्त, अगस्त के लिए 3, इस टाइप से जनवरी 144, 025, 036 और 146। वन कोड हो गया जनवरी के लिए, 4 हो गया फरवरी के लिए, 4 हो गया ये भी मार्च के लिए, 0 अप्रैल, 2 मई, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, 3 अगस्त के लिए, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। कैसे याद रखेंगे, ये 12 का स्क्वायर है 144, ये 0 25 है 5 का स्क्वायर, 0 36 6 का स्क्वायर, ये है 146, 12 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया। ये याद कर लेना आप लोग, ये सारे कोड याद रखने पड़ेंगे। एक बात आपके लिए ध्यान रखने की बात है कि जनवरी कोड विल बी 0 इन लीप ईयर। अगर कोई लीप का ईयर है और उसकी डायरेक्ट डेट पूछ रहा है और लीप के ईयर में जो जनवरी का कोड है वो 0 होगा, ठीक है। डेज फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा आपके लिए, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड प्लस ईयर, प्लस ईयर बाय 4, 4 से डिवाइड करके 2 डिजिट तक निकालना है जो उसका क्वेश्चन आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जो जन्म हुआ था इस दिन क्या वार था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जो जन्म हुआ था उस दिन क्या वार था, तो यही है डेट। डेट क्या आपकी 2 अक्टूबर, 2 प्लस मंथ कोड, मंथ कोड सा है अक्टूबर, अक्टूबर के लिए क्या कोड यूज हुआ है 1, तो 2 प्लस 1। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है 1869, 1800 के लिए क्या सेंचुरी कोड है 2 प्लस 2। ईयर कौन सा है, ईयर 1869, 1869 की ये लास्ट पढ़े 69 प्लस ईयर बाय 4 मतलब 69 बाय 4 डिवाइड बाय
सेवन, ठीक है। ये 69 बाय 4 का देख लो एक बार, 69 को 4 से डिवाइड किया, 69 को 4 से, 4 एक 4, 2, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 1 आ गया। जो आपका ये क्वेश्चन आया है इसी को रखना है बस 69 बाय 4 ईयर बाय 4 के बाद, तो क्या हो गया 2, 3, 5, 69 प्लस 5 74, प्लस जो 69 बाय 4 था, 69 बाय 4 क्या आया 17, आपको 2 डिजिट का निकालना है 17 डिवाइड बाय 7, 7 और 6 11 1 1 7 और 2 9, 91 बाय 7, 91 बाय 7, तो 91 को 7 से डिवाइड करो, 91 को 7, 7 1 7, 2 1 7 3 21, ये आ गया 0। जो आपका रिमाइंडर होगा पिछले उसमें भी हमने रिमाइंडर को ही आंसर माना था, इस में भी जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, रिमाइंडर आपका 0 है, 0 रिमाइंडर आया, तो 0 के लिए क्या कोड है सैटरडे, सैटरडे, तो क्या हो गया आपका आंसर कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी के जन्मदिन पर क्या वार था, तो गांधी जी के जन्मदिन पर था शनिवार, सैटरडे शनिवार, गांधी जी के जन्मदिन पर था शनिवार। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम इसी टाइप का कि 10 मई 1857 को जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी उस दिन क्या वार था, देखने में ये लगेगा जीके का लेकिन ये होता है रीजनिंग का क्वेश्चन। 10 मई 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति को क्या वार था, तो डेट, डेट क्या है 10 मई, 10 प्लस मंथ कोड, मंथ कोड क्या आएगा मई, मई के लिए कौन सा है 2, मई के लिए आया 2, ये सेंचुरी कोड 1857, 1800 के लिए कौन सी सेंचुरी कोड है 2 प्लस 2, ईयर क्या है 57, 1857 सेंचुरी के लिए आ गया 2 कोड, ईयर के लिए आ गया आपका 57, 1857 प्लस ईयर 57 बाय 4, इसको सभी को डिवाइड करो 7 से, 57 बाय 4, 57 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4, 4 जा 16, तो रिमाइंडर जो आपका क्वेश्चन आया है उसको लिखना है यहाँ पर, तो क्या है आपका 10 प्लस 2 प्लस 2 14, 14 प्लस 57 71 प्लस इसकी है 17 बाय 4 14, 14 डिवाइड बाय 7, तो 8 और 1 9, 4 और 1 5, 7 और 1 8 डिवाइड बाय 7, 85 को 7 से डिवाइड किया, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 1, तो 1 रिमाइंडर आया आपका, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, 1 रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर, 1 के लिए क्या कोड है संडे, तो संडे आपका आंसर होगा, संडे मतलब 10 मई 1857 को जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी उस दिन क्या वार था, उस दिन था आपका संडे रविवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन
जैसे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। तो उस दिन क्या वार था? 26 जनवरी, 26 है डेट, 26 प्लस मंथ कोड जनवरी, जनवरी के लिए 0 नहीं 1, जनवरी के लिए 1 प्लस सेंचुरी कोड 1950, 1900 के लिए सेंचुरी कोड क्या है 0 प्लस 0, ईयर क्या आपका 50 प्लस 50/4 डिवाइड बाय 7, ठीक है 56 प्लस 1 27 प्लस 50 इज इक्वल टू 77 प्लस, इसके लिए चेक करें क्या क्वेश्चन आएगा 50/4 50 2 8, जो आपका क्वेश्चन आया वो यहां पर लिखना है 12 डिवाइड बाय 7, 89 डिवाइड बाय 7, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 87 को 7 से डिवाइड किया, 89 को 7 से डिवाइड किया 1 9, आपका आया रिमाइंडर आया 5, रिमाइंडर आया आपका 5, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा 5 रिमाइंडर है। तो उस दिन क्या था? थर्सडे, वीरवार, थर्सडे मतलब वीरवार, जब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस मनाया गया उस दिन क्या वार था? उस दिन था वीरवार। सेम ऐसे ही आप लोग किसी भी डेट का क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, किसी भी डेट पूछे, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, आप लोग इन कोड का यूज करके निकाल सकते हो। 26 जनवरी 1930 को क्या वार था, जिस दिन उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था लाहौर में, तो उस दिन क्या वार था 26 जनवरी 1930 को क्या वार था, आप लोग कमेंट करके इन दोनों का आंसर देना कि भाई इस दिन क्या वार थे, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में ज्यादातर आते हैं, लेकिन एसएससी सीएचएसएन किसी भी एग्जाम में इसके बहुत काफी चांस आने के चांस है। आप लोगों को इनके कोड याद रखने हैं और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, उससे आप किसी भी डेट का कोई भी वार निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू भाई।